सो आज हम बनाने वाले हैं अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल आयोडाइड। अब इन दोनों चीजों को बनाने के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ हमारे दो गेस्ट जो हमारे शेफ्स भी हैं। एक का नाम है मिस्टर स्वार्ट्स और एक का नाम है मिस्टर फिंकलस्टीन। अब ये जो स्वार्ट्स हैं ये काफी महंगे शेफ हैं, महंगे इन द सेंस ये अपने इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत ही अजीब तरीके से लेके आते हैं, या बोल सकते हो आप फैंसी इंग्रेडिएंट्स लेके आते हैं और उससे अपना डिश बनाते हैं। तो इंग्रेडिएंट से आप सोच सकते हो कि दिस इज रिएजेंट और जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्काइल फ्लोराइड बनेगा। मतलब स्वाट क्या करेंगे, फैंसी रिएजेंट यूज करेंगे, जैसे कि आप बोल सकते हो मर्क्यूरिक फ्लोराइड या फिर एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड या फिर कभी कभी सिल्वर फ्लोराइड भी यूज करते हैं। और इससे ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं इसमें आपको क्या करना है, जस्ट आपको अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल आयोडाइड आप ले सकते हो और उसमें से वो स्वैप कर देते हैं, मतलब क्लोरीन को हटा के फ्लोरीन लगा देते हैं या फिर आयोडीन को हटा के वो फ्लोरीन लगा देते हैं। नाउ हमारे जो दूसरे शेफ हैं वो काफी सिंपल हैं, राइट? तो वो जो शेफ हैं वो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, मतलब सिंपल रिएजेंट से वो अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, सोडियम आयोडाइड यूज करेंगे। सो द रिएजेंट फॉर फिंकलस्टीन इज सोडियम आयोडाइड, और जिसमें क्या करना है आपको क्लोरीन को हटाना है और आपको आयोडीन को लगाना है या फिर ब्रोमीन को हटाना है और आयोडीन को लगाना है। नाउ अब इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आप एक बहुत ही अच्छा ट्रिक याद रख सकते हो। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो आयोडीन जो है वो काफी नीचे आएगा, फ्लोरीन के नीचे आता है। सो आयोडीन का जो साइज है वो काफी बड़ा है, राइट? और फ्लोरीन का साइज जो है वो छोटा है। इसी तरह आप दोनों नाम्स को देखो, स्वार्ट्स एंड फिंकलस्टीन, तो फिंकलस्टीन का नाम बहुत बड़ा है तो आप उसको मैच कर दो आयोडीन से, स्वार्ट्स का नाम जो है वो छोटा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है तो आप उसको उससे मैच कर सकते हो। इन दिस वे यू कैन रिमेम्बर दिस रिएक्शन विद ईज। थैंक यू सो मच।